रास्ता देखिए, यहाँ पे चाहे सनातन धर्म की बोलिए चाहे मोदी जी के स्वभाव की, लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, उसको नौटंकी भी बोला। जा करके प्रयाग में उन्होंने दलितों के या जो बहुत नीचे तबके के लोग होते हैं उनके पैर धोए। इससे बड़ी आप क्या चाहते हैं? मैम सुनिए, राम राजनीति मंदिर, राम मंदिर या काशी में जाके गंगा नहाना अगर एक ड्रामेबाजी है, तो यही चीज ओवैसी जाके कर लेना, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। लालू यादव कर ले, और जितने नेता हैं, सीताराम येचुरी जाके कर ले। 10 मिनट के ड्रामे करने से अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बन रहा है तो ड्रामा कर लेना चाहिए। मैं क्यों भाई काशी जाऊंगा? मोदी जी क्या मेरी टोपी ओढ़ते हैं जो मैं उनकी नहीं, काशी में? अगर काशी जा करके गंगा नहाने से, ड्रामा करने से प्राइम मिनिस्टर की सीट मिल जा रही है, तो सारी पॉलिटिकल पार्टियों का चुनाव जीतना मुद्दा है, 10 मिनट के लिए वो भी ड्रामा कर ले। अगर वो मिश्रा टोपी लगा के ड्रामा कर सकते हैं तो ड्रामा करने में क्या दिक्कत है, अगर उनको अपना लक्ष्य लेना मैं, है, लक्ष्य प्राप्त करना हाँ है। जी, हाँ जी, शबनम जी, मैं आज भी मानता हूं, देखिए मैं बीजेपी के प्रभाव में नहीं हूं, लेकिन मैं बोलूंगा बीजेपी ने एक काम अच्छा किया है। एक काम अच्छा ये किया है कि पहले जो पार्टियां थी, आप देखिए समाजवादी पार्टी, बसपा और ये सारे जो थे, वो जाति ओरिएंटेड ही थे और उनका ऐसे स्लोगन होता था, ऐसे नारा होता था। लेकिन बीजेपी ने आज कम से कम हिंदू समाज के साथ साथ मुसलमान को भी एक समान प्लेटफॉर्म पर ले आकर के वो बात कर रहे हैं। उनकी जो फिलॉसफी है, अगर उसके बेस पॉइंट को देखा जाए, उनका ये कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, तो आप ही की तो बात वो कर रहे हैं बीजेपी वाले कि भाई सब लोग यहाँ पे बराबर है, कोई मेजोरिटी नहीं है, कोई माइनॉरिटी नहीं है। पुरुषों को, बच्चों को, हर जाति धर्म के लोगों को कानून या संविधान एक एक समान दृष्टि से देखेगा। बता इसी तरीके से बीजेपी ने ये चीज पहली बार की कि हिंदुओं में जितने भी जाति वगैरह थे, आप मुझे एक चीज ये बताइए, आप पराकाष्ठा देखिए यहाँ पे, चाहे सनातन धर्म की बोलिए चाहे मोदी जी के स्वभाव की, लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, उसको नौटंकी भी बोला। जा करके प्रयाग में उन्होंने दलितों के या जो बहुत नीचे तबके के लोग होते हैं उनके पैर धोए। इससे बड़ी आप क्या चाहते हैं? एक आदमी या एक पार्टी तो चेंज लाना चाहता है, लेकिन कोसने वाली बात है हम लोगों को, इंडिविजुअल। अब मैं निकलना नहीं चाहता हूं, मैं सोचता रहूंगा कि भाई मैं तो कमजोर हूं क्योंकि हमारे नेता बोल रहे हैं, हमारा प्रधान बोल रहा है। तो इन नेताओं को जो लोग ऐसे बोलते हैं, सबसे पहले सबक उनको उनके समाज, उनके जाति के लोग जब तक नहीं सिखाएंगे, तब तक वो जो है इस चंगुल में फंसे रहेंगे। मिश्रा जी, प्रॉब्लम ये नहीं है, मैंने ये देखा है जितने पिछड़े हुए लोगों के लोग एमपी हो गए हैं, जो आईएएस हो गए हैं, वो अपनी शादी या अपने बेटों की शादी अपनी बिरादरी में या एक नीचे लेवल जो उन्हीं की बिरादरी में है उनसे नहीं करेगा। वो झांकने भी नहीं जाते हैं अपनी बिरादरी में, क्योंकि उनका स्टेटस अब अलग हो गया है, वो अपने अलग स्टेटस के कारण जीते हैं। तो अगर आप अपनी सफाई खुद नहीं करेंगे, आपके समाज के लोग अपने समाज की सफाई नहीं करेंगे, जो एक मेंटल स्टेट ऑफ माइंड बना हुआ है भारतीय समाज में, पुरातन चिंतन में इन सब चीजों की कोई जगह नहीं है। जाति पाति को लेके कभी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं रहा है, हजारों ऐसे उदाहरण है, जितने आज के डेट में दलित हैं, ओबीसी हैं, वो कभी चक्रवर्ती सम्राट होते थे। जाति पाति को लेके कभी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं रहा है, हजारों ऐसे उदाहरण हैं, जितने आज के डेट में दलित हैं, ओबीसी हैं, वो कभी चक्रवर्ती सम्राट होते थे। बुद्ध के पिताजी भी पिछड़ी सोसाइटी से आते थे, लेकिन वो राजा थे। तो आप अपने अपने ऊपर गर्व क्यों नहीं करते? आप अपने इतिहास के ऊपर गर्व क्यों नहीं? ये हीन भावना जिसने भी डाल दी, अंग्रेजों ने डाल दी, मुगलों ने डाल दी, राजनेताओं ने डाल दी, इस हीन भावना से उठिए, आपको लगेगा कि आपकी जाति भी एक सर्वश्रेष्ठ जाति है, और गर्व करने के लिए बहुत सारे रीजन मौजूद हैं आपकी जाति हाँ में। जी मिश्रा आप जी, उन इतिहास के तथ्यों को समझिए। मिश्रा जी अभी आपके पास आते हैं, मैं थोड़ा सा ना शबनम जी मिश्रा जी से डिसएग्री करता हूँ कि उन्होंने जाके पांव धोए, उन्होंने ये किया। ये जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये ड्रामे करते हैं, मैं इनको ड्रामा कहता हूँ। ये लोगों से वोटें जीतने के लिए बड़ा कुछ करते हैं। आप वो कहते हैं वो पांव धो के पानी भी पी लेंगे, हाँ जी, पांव धोने तो एक तरफ रहे, पांव तो वो जेल में भी जाके लोगों के उन्होंने धोए थे, आपको याद होगा। आपको अभी मिश्रा भाई साहब को आपने जरा सा कहा तो मिश्रा भाई साहब कैसे अपने ऊपर लेकर गुस्सा आ गया। आपको अभी मिश्रा भाई साहब को आपने जरा सा कहा तो मिश्रा भाई साहब कैसे अपने ऊपर लेकर गुस्सा आ गया। राजनीति मैम सुनिए, राम मंदिर या काशी में जाके गंगा नहाना अगर एक ड्रामेबाजी है, तो यही चीज ओवैसी जाके कर लेना, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे।
लालू यादव कर ले, और जितने नेता हैं, सीताराम येचुरी जाके कर ले। 10 मिनट के ड्रामे करने से अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बन रहा है तो ड्रामा कर लेना चाहिए। मैं क्यों भाई काशी जाऊंगा? मोदी जी क्या मेरी टोपी ओढ़ते हैं जो मैं उनकी काशी में? अगर काशी जा करके गंगा नहाने से, ड्रामा करने से प्राइम मिनिस्टर की सीट मिल जा रही है तो सारे पॉलिटिकल पार्टियों का चुनाव जीतना मुद्दा है। 10 मिनट के लिए वो भी ड्रामा कर ले। अगर वो टोपी लगा के ड्रामा कर सकते हैं तो ड्रामा करने में क्या दिक्कत है? अगर उनको अपना लक्ष्य लेना है, लक्ष्य प्राप्त करना है। शबनम, मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण दुखी है या सबसे घोषित, इतिहास में सबसे घोषित दरिद्र और दुखी अगर कोई है तो वो सुदामा रहा है, वो ब्राह्मण रहा है, जिसका उदाहरण दिया जाता है। शबनम, मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण दुखी है या सबसे घोषित, इतिहास में सबसे घोषित दरिद्र और दुखी अगर कोई है तो वो सुदामा रहा है, वो ब्राह्मण रहा है, जिसका उदाहरण दिया जाता है। हमारी तब भी शिकायत नहीं है, ना भगवान से हमने शिकायत की।